गांव में अचानक धान खरीदी बंद हो गई है, वजह वही है जो हमेशा पुरानी रहती है, और पुरानी वजह यह है कि बारदाने की कमी। इसकी वजह से जो किसान उम्मीद लेकर सुबह से धान बिक्री के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उनको शाम तक इंतजार करने के बाद मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ता है। एक तरफ बारदाने की कमी से धान की खरीदी रुकी हुई है, तो पिछले 3-4 दिन से हुई बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे रखे धान के खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है, लेकिन परिवहन नहीं किया जा रहा है भाई। और इन तमाम हालातों के बावजूद धान खरीदी केंद्र पर तमाम अव्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं उनको सुधारने के लिए किसी तरह की कोई जद्दोजहद भी नहीं की जा रही है। टोकन 13 तारीख के आ रहे हैं, पर्ची जमा करे हैं 30 तारीख के, बोले 30 तारीख के लिए अभी घुसते जाते हैं, सब तौला ही का पता है। का समस्या? बहुत समस्या है यहाँ, धान बिक्री नहीं होते, धान के कोई बोरा है नहीं की देते, नहीं तो कुछ नहीं की देते। बारदाना जैसे हमारे पास 2-3 दिन के लिए बचा रहता है, तो हम मांग पत्र ऊपर भेज देते हैं, उस हिसाब से बारदाना आता है। बारिश हुई है, धान भीग गए हैं, इसको लेकर किस तरीके से आप लोगों के द्वारा प्रबंध किए हैं? तिरपाल पूरा ढका गया है, ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ इस वक्त, ज्ञानेश्वर मानिकपुरी जी जुड़ गए हैं, खरीदी केंद्र प्रभारी हैं। मानिकपुरी जी बहुत स्वागत है आपका। मानिकपुरी जी आवाज मिल रही है मेरी? जी। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं धान खरीदी केंद्र पर? अब दिक्कतें यही आ रही है मैडम कि यहाँ पर अपन बफर लिमिट से ज्यादा स्टॉक है, यहाँ बफर लिमिट जो है 2400 कुंटल है, ठीक, और यहाँ अपने यहाँ 11,000 कुंटल के आसपास स्टॉक है। आपने की बफर स्टॉक है और इसके वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है और खुले में धान पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो धान भी भीग रहा है, तब व्यापक इंतजाम नहीं किए गए। अब जितना स्टॉक था उसको तो ढके हैं तिरपाल से, और जितना स्टॉक नहीं, मतलब जो स्टॉक बफर लिमिट में है तो उनको नहीं ढका है त्रिपाल से? नहीं नहीं, सबको ढके हैं। हाँ। अभी अब पाल था तो ढके हैं, और इधर अब उठाओ, कल हुआ था 2 गाड़ी, अभी अब हुआ नहीं है अभी। क्या ये परिवहन में क्या दिक्कतें आ रही है मानिकपुरी जी, जरा बताएंगे? अभी वहाँ से डीओ कटता है मिलर्स को, तो कल कटा था 240 कुंटल का एक मिलर का, और 180 कुंटल का एक व्हीलर का। क्या आप लोगों के पास क्या गोडाउन नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, क्योंकि खुले में धान पड़ा हुआ है और बारिश में भी भीग रहा है? आप भी इतना समझते हैं कि त्रिपाल कितना धान बचा पाएगा? जी अब ये तो ऐसा है कि यहाँ उपार्जन केंद्र है, ये जो समिति है वो उपार्जित करके और संग्रहण केंद्र या मिलर को मतलब डिस्पेंस करती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ तो कोई गोदाम नहीं है। ठीक है, तो शासन को बताइए इस परेशानी के बारे में। अच्छा एक चीज और बताइए जरा मानिकपुरी जी, खरीदी क्यों नहीं हो रही है धान की? धान तो अभी तो 5 दिन तक बारिश था, फड़ भी गीला था, अब आज चालू किए हैं, आज हो रहा है खरीदी। आज हो रही है? अभी तक कितने क्विंटल की धान खरीदी हो गई है? आज, हाँ आज अभी तक, आज अच्छा अभी तक तो जो 31 तारीख तक था 10,386 कुंटल हुआ था, और आज कितनी हुई है? आज 400 कुंटल का कटा था टोकन। हाँ? 400 कुंटल तो उसमें अब हो गई है, एक किसान का बचा है। और मानिकपुरी जी किसान भाई बता रहे हैं कि बारदाने भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं आप लोग, क्यों भाई? अब वो बारदाना तो ऊपर से आता है, वो जो डीएमओ है। तो क्या आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कि डीएमओ जब भेजेंगे? हाँ, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जैसे बारदाना खत्म होने को है, स्टॉक खत्म होने को है, तो तत्काल प्रभाव से सूचित किया जाए? ये क्या है मैडम, यहाँ पर जो नया और पुराना का रेशियो में चलता है, नया बारदाना तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है,
पुराना बारदाना नहीं है। तो दीजिए ना भाई किसानों को दीजिए, वो क्या सहेज के रखने के लिए थोड़ी ना है वो नया बारदाना। अगर नया बारदाना है तो भाई दीजिए, और धान खरीदी नहीं हो रही है तो उसको प्रॉपर कीजिए, और पांच दिन अगर बारिश होती रही तब तो लीजिए। सुन लीजिए आप मेरी बात सुनिए मानिकपुरी जी, अगर पांच दिन तक धान खरीदी बंद थी तो उस वक्त आप लोगों ने क्या कुछ इंतजाम किए वो दिख रहा है तस्वीरों में, धान गीला हो रहा है, एक भी तरह से कोई माकूल इंतजाम नहीं है, और पांच दिन जो किसान भाई बहन परेशान हुए हैं उनकी समस्याओं को लेकर भी आप लोगों ने क्या कदम उठाए? बोरा पहुंचाना डीएमओ विपणन संघ का काम है, हमारा नहीं है। हम बस ठीक है, आप लोग एक दूसरे पे है ना जिम्मेदारी डालते रहिए, एक दूसरे पे थोपते रहिए, और उससे आप लोगों को कोई सरोकार नहीं है। अपनी जिम्मेदार आपकी जो गलती है वो दूसरे पे डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संदीप सिंह ठाकुर जुड़ गए। संदीप, ताजा अपडेट आपसे ही जानना चाहेंगे। पूरा मामला रस्क लोरमी के नवागांव वेंकट धान खरीदी केंद्र का सामने आया है, जहां पर सप्ताह भर से धान की खरीदी बंद थी, और यहां बीते तीन दिनों से लगभग भारी बारिश हुई है, जिसके चलते बहुत सारे धान की कट्टी जो खुले में रखे हुए थे वो भीग गए थे। और हालांकि ग्रामीणों का कहना है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बारदाना नहीं दिया जा रहा है, और बारदाने तो यहाँ पे मानिकपुरी जी सहेज के रखे हुए हैं, क्योंकि अब जब नया सेशन शुरू होगा तभी वो नए बारदानों को देंगे, और सारा का सारा जो इल्जाम है वो एक दूसरे पर मरने पर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए आपका। गुना जिले की मधुसूदन